एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तनुषी एंड फैमिली। माय नेम इज शिवानी। आज है फ्राइडे और जैसा कि आपको पता है हमारे चैनल पे आती है हर फ्राइडे को एक हैशटैग बी बोल्ड की वीडियो। और आज की वीडियो में भी हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंटीमेट रिलेशनशिप के बारे में, और जो एक हस्बैंड वाइफ के या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के आपके जो एक पर्सनल फिजिकल रिलेशनशिप होते हैं उसमें ऐसी कौन सी बातें हैं जिनका आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बेसिकली मैंने इसे नाम दिया है सेक्स रूल्स का। और वैसे तो ये ऐसे कोई रूल्स नहीं है जो कि आपको यूनो किताब में छपे हुए मिलेंगे कि नहीं इन्हें फॉलो करो ही करो, लेकिन ये कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें अगर आपको फॉलो करते हो, करना ही चाहिए वैसे तो सबको, और अगर आप इन्हें फॉलो करते हो तो आपके लिए, आपकी सेक्सुअल लाइफ के लिए, आपके और आपके पार्टनर के एक बॉन्ड के लिए ये अच्छा है, और नहीं फॉलो करते हैं आप तो इनसे कुछ आपको नुकसान हो सकते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को तो हम कहते हैं रूल्स, कि रूल्स आपको हमेशा फॉलो करने चाहिए। इन्हें फॉलो करोगे तो आपका ही अच्छा है, आपका ही भला है, नहीं फॉलो करते हो तो आपका नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए मैंने इन बातों को और इस वीडियो को नाम दिया है सेक्स रूल्स। तो आइए बिना किसी देरी को करते हुए शुरू करते हैं हम आज का अपना ये वीडियो। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर प्लीज कर दिया करो, और आपका एक थम्स अप करने में ना कुछ नहीं जाता, सिर्फ एक अंगूठा ही दबाना है। लेकिन जब हम देखते हैं ना कि हमारे वीडियो को इतने सारे लोगों ने पसंद किया, आपके जो कमेंट आते हैं इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे, वो पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ कंजूसी थोड़ी सी मत किया करो। अगर हम काम करते हैं, मैं काम कर रही हूँ अगर आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ आप भी थोड़ा सा सपोर्ट करो और लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करा करो वीडियो को। और जो लोग पहली बार हैं चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे क्लिक कर दीजिए, चैनल के मेंबर बन जाइए, हमारे फैमिली मेंबर बन जाइए, और बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे। आइए बिना किसी देर को करते हुए हम डिस्कस करते हैं अपने ये सेक्स रूल्स। रूल नंबर वन, पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूं वो ये है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच कभी भी ज़बरदस्ती के रिश्ते नहीं होने चाहिए। आप जब भी इंटीमेट होते हैं हमेशा आप दोनों की मर्जी और सहमति होनी ही चाहिए, चाहे आप हस्बैंड वाइफ ही क्यों ना हो। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि हम अगर किसी के साथ एक शादी के बंधन में बंध गए हैं, हम हस्बैंड वाइफ हैं, तो हम कभी भी कैसे भी किसी भी जगह पे उसके साथ इंटीमेट होने का हक रखते हैं। लेकिन नहीं, ये ऐसा नहीं है। जब तक सामने वाले की मर्जी ना हो, जब तक उसकी सहमति ना हो, आप उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप, शारीरिक संबंध नहीं बना सकते हैं। ये भी एक तरीके का रेप होता है, जो कि मैरिटल लाइफ में भी, अगर आपकी मैरिटल लाइफ है, आप हस्बैंड वाइफ हैं, तो भी अगर आप किसी के साथ ज़बरदस्ती करते हैं, उसकी मर्जी के बिना उसके साथ इंटीमेट होते हैं, तो वो भी एक तरीके का रेप है, आप उसका रेप कर रहे हो। तो प्लीज़ ऐसा ना करो। और वैसे भी यार, खुद का एक दिमाग लगाओ, ऐसे रिश्तों का फ़ायदा ही क्या कि जब आपके सामने वाला जो बंदा है, आपका जो पार्टनर है, वो इंजॉय ही ना कर रहा हो, उसकी सहमति ही ना हो, आप ज़बरदस्ती उसके साथ करके क्या हासिल कर लोगे। तो प्लीज़ कभी भी उनकी मर्जी के बिना और ज़बरदस्ती उनके साथ कभी भी रिलेशनशिप ना बनाएं। रूल नंबर टू, हमेशा, जैसा कि मैंने आपको पिछली कुछ वीडियो में भी बताया है, फोर प्ले को कभी भी नेगलेक्ट मत करो, फोर प्ले को स्किप मत करो। हमेशा इंटरकोर्स से पहले फोर प्ले होना ही चाहिए। फोर प्ले का मतलब ये नहीं है कि थोड़ा सा आपने एक किस कर लिया, थोड़ा सा हग कर लिया एंड हो गया फोर प्ले, नहीं। जिस आपका जो पार्टनर है उसका भी अराउज होना, उसका भी मन करना सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए, वो उतना ही ज़रूरी है जितना आपका है। आप दोनों सेम लेवल पे एकदम होने चाहिए, तभी आप नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। तो फोर प्ले को कभी भी स्किप मत कीजिए। इसके बहुत सारे फायदे हैं। देखो, इसके काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ते हैं आपके लव मेकिंग पे। जब गर्ल और बॉय सेम लेवल पे एक्साइटेड होते हैं, एक दूसरे को लव मेकिंग करना चाहते हैं, उस टाइम पे इक्वल लेवल पे अगर होंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि दोनों ही इक्वली सेटिस्फाइड हों। वरना होता क्या है कि बहुत जल्दी बॉयज़ जो हैं वो डिस्चार्ज हो जाते हैं, जबकि गर्ल्स की अभी शुरुआत भी नहीं हुई होती है। वहीं अगर आप फोर प्ले करोगे तो दोनों सेम लेवल पे आ सकते हैं, आप अपने गर्ल पार्टनर को एक्साइटेड कर सकते हो। दूसरी चीज़, जब गर्ल पार्टनर सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए अराउज होती है, उनका मन करता है, तो नेचुरली, नॉर्मली ही उनकी वजाइना में एक वेटनेस आ जाती है, कीलापन आ जाता है नेचुरली ही।
जिसकी वजह से इंटरकोर्स के टाइम पे पेनिट्रेशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है और गर्ल को पेन भी नहीं होता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी गर्ल पार्टनर जो है वो अराउज हो इक्वली, उसका भी उतना ही मन हो जितना आपका हो, तभी आपका ये जो बॉन्ड है, ये जो रिश्ता है आपका, जो लव मेकिंग प्रोसेस है वो एक्चुअल में लव मेकिंग बनेगा। नेक्स्ट रूल पे आते हैं हमारे, रूल नंबर 3, वो है कि हमेशा आप ये चीज़ ध्यान में रखिए कि आपके जो दो इंटरकोर्स हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप तो नहीं हो रहा है। इतना ध्यान रखिए कि एटलीस्ट आप हफ्ते में एक बार ज़रूर लव मेकिंग करें, वरना क्या होगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा डिले करते हो, जैसे कि बहुत सारे लोग काम के चलते या फिर घर में उनके बच्चे हो गए या और भी बहुत सारे लोग हैं आसपास, तो इस सारी चीज़ों के चलते और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं उनके चलते बहुत ज़्यादा गैप कर देते हैं अपने फिजिकल रिलेशनशिप में, 10 दिन का 15 दिन का महीने भर का। ऐसे में होता क्या है कि आप दोनों के सिर्फ फिजिकली रिश्ते ही नहीं बल्कि मेंटली भी आप एक दूसरे से इमोशनली भी थोड़े थोड़े दूर होते चले जाते हो। रोमांटिकली अगर आप कनेक्टेड नहीं रहोगे तो नॉर्मली भी वैसे ही हम इतनी लाइफ में बिजी रहते हैं, बात करने का भी टाइम नहीं होता है, अपनी अपनी लाइफ में आप बिजी रहोगे तो ऐसे में आपके हस्बैंड वाइफ के इंटीमेट रिश्ते कभी बन ही नहीं पाएंगे। तो एटलीस्ट इतना जरूर ट्राई करिए कि हफ्ते में एक बार आप लोग लव मेकिंग करें, और उससे ज़्यादा तो ऑफकोर्स आप कर ही सकते हो, पर एक बार हफ्ते में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी पे ही आप लोग फोकस करिए, और इससे होगा क्या कि जो बॉयज़ हैं उनके साथ क्या प्रॉब्लम होती है, अगर आप बहुत ज़्यादा डिले कर देंगे अपने दो इंटरकोर्स के बीच में, अगर टाइम गैप ज़्यादा होगा आपका, तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं जल्दी डिस्चार्ज होने के, अगर बहुत ज़्यादा टाइम गैप हो जाता है तो। वहीं लड़कियाँ जो हैं उनमें सेक्स की इच्छा जो है वो कम हो सकती है, हो सकता है कुछ गर्ल्स को ये प्रॉब्लम हो कि उन्हें अराउज होने में प्रॉब्लम आए, या फिर बहुत टाइम बाद जब आप उन्हें टच करो तो वो कुछ अजीब फील करे, उनका मन ना करे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ ना हो तो अपनी सेक्स लाइफ को कंटिन्यू रखिए और बरकरार रखिए उसे, और एक दूसरे को लव मेकिंग करते रहिए। नेक्स्ट अपने नेक्स्ट रूल पे आते हैं, वो है टॉयलेट जाने का रूल, यूरिन पास करने का रूल, या फिर हिंदी में बोलूँ शुद्ध भाषा में तो सुसु करने का रूल। वो ये है कि जब भी आप इंटरकोर्स करने के लिए जाते हो, जब आप मूड बना रहे होते हो, जब आपका मन कर रहा होता है, आप बेड पे जब जाते हो अपने पार्टनर के पास, उससे पहले आप यूरिन पास जरूर करिए, आप टॉयलेट जरूर जाइए, अपने ब्लैडर को पूरा खाली कर लीजिए। वरना होगा क्या कि इंटरकोर्स के बीच में ही आपके अगर यूरिन पास करने की इच्छा होती रहेगी तो आपका पूरी तरह से इंजॉय नहीं कर पाओगे, अपने पार्टनर के साथ आप नहीं रह पाओगे, आपका मन और ध्यान कहीं और लगा रहेगा। वहीं गर्ल्स में ये भी प्रॉब्लम होती है कि पेन भी हो सकता है पेट के नीचे वाले भाग में, अगर वहाँ पे आपका यूरिन जो है वो इकट्ठा हो रखा हो। यूरिन वैसे भी हमें इकट्ठा नहीं करना चाहिए, इसकी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है आपको हेल्थ वाइज भी, और अगर आप यूरिन जो है आपका वो रुका रहेगा तो और भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, पेन हो सकता है आपको। और गर्ल्स में ये भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर हो तो इंटरकोर्स के टाइम ही आपका यूरिन निकल जाए, पास हो जाए। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए, यूरिन ज़रूर पास करिए बॉय भी और गर्ल भी इंटरकोर्स करने से पहले। इसके साथ साथ अगर बात करें इंटरकोर्स के बाद में, तो गर्ल्स को ज़रूर इंटरकोर्स के बाद में यूरिन पास करने जाना चाहिए फ़ौरन ही। अगर आप बच्चा ट्राई करने वाले हैं, बच्चा ट्राई करना चाहते हैं, अगर आप लोग ट्राई कर रहे हैं, बेबी प्लानिंग कर रहे हैं, उस टाइम पे गर्ल्स थोड़ा सा वेट कर सकती हैं, 10-15-20 मिनट आप रुकिए, उसके बाद जाइए। अदरवाइज नॉर्मली गर्ल्स को ज़रूर यूरिन पास करने जाना चाहिए। इससे क्या होता है कि जितनी भी बैक्टीरिया वगैरह जो इंटरकोर्स के टाइम पे एक दूसरे में एक्सचेंज होते हैं वो फ्लश आउट हो जाते हैं इजीली, अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह होता है तो। इसके साथ साथ कोई अगर मेल पार्टनर का आपका थोड़ा बहुत स्पर्म वगैरह वहाँ पे अगर आपके लग जाता है प्राइवेट पार्ट पे तो वो भी वॉश आउट हो जाता है। तो ये थोड़े से आपके चांसेस बढ़ा देता है कि अगर गलती से भी कोई स्पर्म थोड़ा सा भी अगर गया होगा तो वो निकल जाएगा। ये मैं बात कर रही हूँ आउटर पार्ट की, अगर आउटर पार्ट पे रह गया होगा तो, नॉट इंटरनल पार्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं बॉयज़ के बारे में। तो बॉयज़ को कभी भी इंटरकोर्स के तुरंत बाद यूरिन पास नहीं करना चाहिए, आपको कम से कम 10-15 मिनट वेट करना चाहिए, उसके बाद आपको यूरिन पास करने जाना चाहिए। बिकॉज़ क्या होता है ना कि बॉयज़ में बहुत ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन हो रखा होता है आपकी बॉडी में, तो जब एक बार आपकी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो थोड़ा सा शांत हो जाए, जब आपकी बॉडी नॉर्मल हो जाए, आपकी हार्ट बीट जो है वो नॉर्मल हो जाए, उसके बाद आप यूरिन पास करने जा सकते हो। तो 10 से 15 मिनट बॉयज़ आपको वेट करना चाहिए और उसके बाद ही आपको यूरिन पास करने वॉशरूम में जाना चाहिए।
नेक्स्ट रूल पे आते हैं और वो ये है कि गर्ल और बॉय दोनों को ही, चाहे आपकी शादी हुई हो चाहे नहीं हुई हो, हमेशा अपने प्रोटेक्शन की और अपने जो फैमिली प्लानिंग है उसके बारे में सोच के आपको ही इंटरकोर्स करना चाहिए. अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो एनीवेज विच वेज आपको प्रोटेक्शन हमेशा यूज़ करनी है. ये आपको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन और डिसीज से बचाता है, इसके साथ साथ आपके प्रेगनेंट होने के चांसेस को भी कम करता है. आप प्रेग्नेंट नहीं होंगे अगर आप प्रोटेक्शन यूज़ करेंगे. प्रोटेक्शन बहुत सारे तरह के आती हैं और इसके बारे में अगर आपको और डिटेल में जानना है किस तरह के प्रोटेक्शन अवेलेबल हैं, क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, क्या चांसेस हैं इनके, तो वो उसके ऊपर मेरी सेपरेट वीडियो है. लिंक वीडियो के इस वीडियो के एंड में आपको दे दूंगी, आप वो वीडियो ज़रूर चेक कीजिए. अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो ज़रूर प्रोटेक्शन यूज़ करिए, और शादी होने के बाद भी अगर आप हस्बैंड वाइफ भी हैं तो भी आपके और आपके पार्टनर के बीच में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए कि आप कब बेबी चाहते हैं. अभी ये चाहते हैं, एक महीने बाद चाहते हैं, एक साल बाद चाहते हैं, और उसी के हिसाब से आप अपनी बेबी प्लानिंग ज़रूर कीजिए. ऐसा नहीं है कि आपने शादी कर ली है तो आप कभी भी बच्चा कर सकते हो. नहीं, एक जो बच्चा है वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होता है आपके और आपके पार्टनर का, हस्बैंड वाइफ दोनों का. फिजिकली, मेंटली और इमोशनली तैयार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए. एक बच्चे के साथ साथ बहुत सारी जिम्मेदारी आती हैं, कुछ खर्चे भी बढ़ जाते हैं, और आपकी पूरी एज अ कपल आपकी जो भी लाइफ चल रही है ना वो भी पूरी तरह से चेंज होने वाली है. तो इस चेंज के लिए आपको पूरी तरह से तैयार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ऐसा नहीं है कि कभी भी बच्चा आ रहा है, हो गया तो हो गया, चलो ठीक है हो जाएगा. नहीं, आज की डेट में जहाँ पे इतनी महंगाई है, इतना सब कुछ है, बच्चों की पढ़ाई इतनी महंगी है, इस पूरे जो अभी सब चल रहा है, कोरोना का टाइम चल रहा है, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको ज़रूर अपनी फैमिली प्लानिंग पे ध्यान देना चाहिए. अपने पार्टनर से इस बारे में ज़रूर डिस्कस करिए. नेक्स्ट रूल पे आते हैं हम, और वो ये है कि कभी भी जब भी आप अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होना चाहते हैं, आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन होती हैं, आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो कि वो कुछ चीज़ें आपके साथ करें, लेकिन आपको ये कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि जैसे आपकी एक्सपेक्टेशन है, जैसे आप उनसे कुछ चाहते हो वैसे ही आपका पार्टनर भी चाहता है. ये सिर्फ गिव एंड टेक दोनों का इक्वल रिलेशनशिप होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि आप टेक करे जा रहे हो, सिर्फ अपनी एक्सपेक्टेशन ही फुलफिल कराए जा रहे हो उनसे, लेकिन आपके जो पार्टनर हैं आप उनकी एक्सपेक्टेशन के बारे में कुछ सोचते ही नहीं हो. मुझे एक फीमेल का मेल आया था और उन्होंने मुझसे इस बारे में डिस्कस किया था कि उनके हस्बैंड जो हैं वो काफ़ी कुछ इंटीमेट उनके साथ चीज़ें करते हैं और उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, उनसे बोल के कराते हैं कि ऐसा करो, वैसा करो, वैसा करो, लेकिन जब उनके मन में आता है कि अच्छा इन्हें भी मेरे साथ कुछ करना चाहिए, तो उस टाइम पे वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, सो जाते हैं. तो ऐसे में आपको ये, चाहे गर्ल हो या बॉय, ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आप कुछ चीज़ें ट्राई करते हो, एक अपने रिलेशनशिप को एक नया कुछ मोड़ देने की कोशिश करते हो, तो वो दोनों को इक्वली करना चाहिए. ये नहीं है कि एक पार्टनर कर रहा है और दूसरा रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा. या तो आप कुछ चीज़ें नया ट्राई करो ही मत, आप वही जो जैसे चलता आ रहा है वही रहना होता है. लेकिन अगर आप कुछ नया ट्राई करते हो तो एक पार्टनर अगर कर रहा है तो दूसरे को भी करना चाहिए. जैसे आपकी एक्सपेक्टेशन है वैसे दूसरे की भी एक्सपेक्टेशन हो सकती हैं, जिन्हें फुलफिल करना आपका जिम्मेदारी है. और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उनसे खुल के बात करिए और उसका सोल्यूशन निकालिए. ये नहीं है कि वो अंदर ही अंदर सोचते रहें कि मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है और मेरी एक्सपेक्टेशन या मुझे सेटिस्फाई करना, मेरी नीड का ध्यान रखना मेरे पार्टनर के मन में है ही नहीं. तो इन सारी चीज़ें, ये सारे प्रॉब्लम्स, ये सारे मन में ये वाले ख्याल ना आए आपके और आपके पार्टनर के बीच में, ये सारी चीज़ें ना आए, आप ज़रूर ये चीज़ों पे ध्यान दीजिए. नेक्स्ट रूल पे आते हैं और वो ये है कि कभी भी आपको किसी और को कॉपी नहीं करना चाहिए अपने लव मेकिंग के टाइम पे. क्या होता है ना कि शुरुआती जब हमारे रिलेशनशिप बन रहा होता है अपने पार्टनर के साथ, जो शादी के शुरुआत के दिन होते हैं, तो क्या होता है ना कि हमें बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती हैं और हम इधर उधर से जहाँ से जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसा भी हमें पता चलता है, जैसा कि हम देखते आ रहे हैं फिल्मों में या पॉर्न मूवीज़ में या कैसे भी, जो भी इन्फॉर्मेशन हमने इकट्ठा कर ली है उसके बेस पे ही हम चीज़ें करते हैं और उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं. कभी भी यार ऐसा मत करो, बिकॉज कितनी बारी होता है ना कि चीज़ें जो आपने देखी हैं, सुनी हैं, वो सच्चाई से दूर दूर तक उनका कोई नाता नहीं होता, वो बिल्कुल अलग होती हैं. ऐसे में क्या होगा कि आप और आपके पार्टनर दोनों ही परेशान हो जाओगे. आप गो विद द फ्लो करो, जैसा आपका और आपके पार्टनर का बॉन्ड जा रहा है, जैसा वो आपसे कुछ डिमांड करते हैं, कुछ बोलते हैं, जैसे आपका मन करता है, आप वो चीज़ें करो, ना कि किसी और को कॉपी करने की कोशिश करो. नेक्स्ट रूल पे आते हैं, वो भी पुराने वाले से ही थोड़ा रिलेटेड है, और वो है कि डू नॉट
कंपेयर, कभी भी अपने और अपने पार्टनर के रिलेशनशिप को, इंटीमेसी को कभी भी कंपेयर मत करो दूसरों के साथ। बहुत सारे बॉयज का एक पर्सनल ग्रुप होता है, लड़कियों का भी होता है, इवन कजिन्स के साथ होता है या फ्रेंड्स के साथ होता है, एक भाभियों वाला जो ग्रुप होता है आपस में इस तरह की इंटीमेट बातें कर लेती हैं। और ऐसे में जब आपको पता चलता है कि जैसे बॉयज में फॉर एग्जाम्पल आपका कोई फ्रेंड बोले कि मैं तो आधे आधे घंटे तक अपनी वाइफ के साथ इंटीमेट होता हूँ, और आप सोचो कि अरे यार मैं तो 10 मिनट ही हो पाता हूँ, आप कंपेयर करने लग जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है वो खुद से इकट्ठा करनी चाहिए कि नॉर्मल टाइमिंग क्या होती है, कैसे चीज़ें करी जाती हैं, फोर प्ले क्या होता है, कितने टाइम तक करा जाता है, या फिर मेन इंटरकोर्स जो है उसकी टाइमिंग क्या होती है। सारी वीडियोस मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगी, और कहीं से भी जहाँ से भी आपको जो ट्रस्ट करते हो आप, जिसको उसकी चीज़ों पे ध्यान दो, वहाँ से इन्फॉर्मेशन लो, किसी की कहीं सुनी बातों पे भरोसा मत करो। और इसके साथ ही मैं ये भी बोलूँगी, हर इंसान अलग होता है, हर किसी की बॉडी अलग होती है, हर किसी का पार्टनर अलग होता है, हर किसी का रिश्ता अलग होता है। अपने रिश्ते को कुछ भी चाहे उसमें चीज़ हो, दूसरों से कंपेयर आप वैसे भी करोगे ना तो आपको डिसअपॉइंटमेंट ही होगी। आप कंटिन्यूसली अपने आप पे प्रेशर बनाया जा रहे हो परफॉर्मेंस का, कि अरे यार मैं उसके जैसे परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उसके जैसे नहीं कर पा रहा हूँ। साथ ही साथ कितनी बार होता है आप अपने पार्टनर पे भी एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ें लादे जा रहे होते हो कि अरे यार उसका पार्टनर ऐसे करता है, मेरी वाइफ या मेरा हस्बैंड ऐसा क्यों नहीं करता। तो अपने ऊपर तो प्रेशर बना ही रहे हो, और बिना बात की फालतू की एक्सपेक्टेशन अपने वाइफ या हस्बैंड के साथ भी आप रख रहे हो। ऐसे में आपको निराशा ही हाथ लगेगी, आप और आपके पार्टनर का कभी भी अपना एक अच्छा बॉन्ड नहीं बन पाएगा। तो कभी भी ना तो दूसरों को कॉपी करो और ना ही दूसरों से खुद को कंपेयर करो, जस्ट गो विद द फ्लो, अपना एक अपना अलग बॉन्ड बनाओ। कभी भी आपको कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम होती भी है, आपको अगर लगता है आपका टाइम कम है या फिर आप लोग इन्जॉय नहीं कर पा रहे हो या कोई भी और किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है, हमेशा अच्छी जो सही सलाह दे उससे ही सलाह लो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो ये है कि आप डॉक्टर के पास जाओ, वहाँ पे उनसे डिस्कस करो चीज़ें, और वहाँ से वो जो सोल्यूशन देते हैं वो आप फॉलो करो, किसी की कहीं सुनी बातों में मत आओ। नेक्स्ट स्टेप मेरी ये है कि मेंटेन हाइजीन। हाइजीन को मेंटेन ज़रूर करिए। जब भी आपके पार्टनर आपके पास आता है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि एक अच्छा उसे माहौल मिलेगा, आप उसे अच्छे से मिलोगे। ये नहीं है कि आपके बाल ग्रीसी हो रहे हैं, मुंह से बदबू आ रही है, नेल्स बड़े हुए हैं, गंदे हो रहे हैं, या फिर और कोई प्रॉब्लम है आपके, यू नो अंडर आर्म से स्मेल आ रही है, पसीने में आप हो। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखो, स्पेशली जब आपकी न्यू शादी हो रखी होती है तब उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखो कि आप हाइजीन मेंटेन करो, आप शावर ले लो आप अपने हस्बैंड के या वाइफ के पास जाने से पहले। वाइफ होती है ना कि कितनी बार किचन में खड़े होकर आपने डिनर वगैरह प्रिपेयर किया, आपको पसीने वगैरह आ जाते हैं, उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी तो वैसे ही अजीब सी लगेगी, पसीने वाली, इसके साथ साथ स्मेल भी आएगी, आप भी फ्रेश फील नहीं करोगे। तो बहुत अच्छा सोल्यूशन है, अगर गर्मियों के दिन हैं तो आप शावर लीजिए और तब अपने हस्बैंड के पास जाइए। और सेम वाइज ये रूल हस्बैंड के लिए भी, जब आप बाहर से काम करके आते हो, थके आ रहे होते हो, तो आप बेड पे जाने से पहले शावर ले लीजिए एक, तो बहुत अच्छा फील होगा आपको भी और आपके पार्टनर को भी। तो शावर लीजिए और ध्यान रखिए कि आपके ऊपर से किसी तरह की कोई बदबू ना आ रही हो, और आप अगर और अच्छा सा थोड़ा सा स्मेल करेंगे तो और अच्छा है, हल्का सा कोई डिओड्रेंट परफ्यूम अगर आप इस्तेमाल करेंगे या रूम में कोई फ्रेग्रेंस लगा देंगे तो और भी अच्छा आप माहौल बना सकते हैं। इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए, हाइजीन मेंटेन करके रखिए। साथ ही साथ आपके जो प्राइवेट पार्ट के हेयर्स होते हैं उनको भी ज़रूर मेंटेन करिए। मैं ये नहीं कह रही कि आपको बिल्कुल ही क्लीन करने हैं, या आप ट्रिम भी कर सकते हैं, ये आपकी कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। मैंने इसके भी बहुत सारे मेथड के क्या क्या मेथड हैं हेयर रिमूव करने के, वो भी शेयर किए हुए हैं मेरे चैनल पे, अगर आपको देखने हैं तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो। तो ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस है, चाहे आप ट्रिम करो या कम्प्लीटली रिमूव करो, लेकिन उन्हें मेंटेन ज़रूर करो। ऐसा नहीं है कि यहाँ वहाँ हर जगह फैले हुए हैं तो वो बहुत ज़्यादा गंदा लगता है, तो आप उन्हें मेंटेन ज़रूर करके रखिए। इसके साथ साथ मेरी एक और लास्ट टिप है, वो ये है कि कभी भी फेक मत करो। लड़के और लड़कियां दोनों ऐसा करते हैं, लड़कियां काफ़ी ज़्यादा करती हैं, और इसका रीज़न यही है, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में एक्सप्लेन किया था कि गर्ल्स जो है वो इतना एक्साइटेड नहीं हो पाती हैं, और आप जो इंटरकोर्स है, लव मेकिंग है, उसका प्रोसेस शुरू कर देते हो। अब ऐसे में लड़कियों के पास फेक करने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। बहुत सारी लड़कियां नहीं भी करती हैं, और बहुत सारी ऐसी हैं जो करती हैं और फेक दिखाती हैं कि हाँ मैं भी एक्साइटेड हूँ या मैं भी कंप्लीट हो गई हूँ आपके साथ, लेकिन वो नहीं हुई होती। और इसका असर आपके रिलेशनशिप पे बहुत गंदा पड़ने वाला है। आपका हस्बैंड या वाइफ जो भी है, सामने वाला बंदा, वो सोचेगा कि हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें प्रॉब्लम है जहाँ आपको फेक करना पड़ रहा है।
तो प्लीज चीजों को फेक मत करो। जैसा जो भी आपका फीडबैक है वो अपने पार्टनर को दो, तभी चीजें सुधरेंगी ना। आप कब तक फेक कर सकते हो? एक रिलेशनशिप को लाइफ टाइम जो चलने वाला है उसे आप कैसे फेक कर सकते हो, चीजों को किस हद तक कर सकते हो? और अगर फेक करोगे भी तो कैसे आपके और आपके पार्टनर के जो रिश्ते हैं वो अच्छे बनेंगे? तो कभी भी फेक मत करो और एक दूसरे को प्रॉपर अच्छा पूरा फीडबैक दो, तभी आपके रिश्तों में और सुधार आएगा। आई होप ये जो मैंने बातें आपको बताएं वो आपके लिए काम करें और आपको समझ आया हो, अच्छा लगा हो। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट में मुझे अपने फीडबैक देना, और भी कोई रिक्वेस्ट हो आपकी फ्यूचर वीडियोज़ के लिए वो भी आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आज के लिए इतना ही, मैं ज्योति मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।